अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी, बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह से रमज़ान का जो महीना होता है वो शुरू हो चुका है। तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान की मुबारक हो। बहुत तो रमज़ान से पहले मैंने जो है वो कुछ प्रिपरेशन की थी जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि रमज़ान में हमारे यहाँ ना ज़्यादातर राइस खाए जाते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, क्योंकि कभी पुलाव, कभी बिरयानी, कभी चना पुलाव, कभी मटर पुलाव, तो डिफरेंट चीज़ें। तो फिर मैंने सोचा कि चलें, चनों का मौसम है, चने निकाल के रख देते हैं। ये ग्रीन वाले जो हैं इनको जो है क्या कहते हैं, तो ये पहले जो मैं आपको बताऊं, बचपन में इतना मज़ा आता था इनको निकालने का कि हम लोग गलियों में एक दूसरे के घर चले जाते थे। बहुत प्यार होता था आपस में, तो एक दूसरे के घर चले जाते थे, सब अपने अपने चने लेके बैठ जाते, बातों बातों में पता भी नहीं चलता था, जितने मर्जी निकाल लें। अब तो वो रिवाज ही बिल्कुल ख़त्म हो गया, और अब अगर मिलके बैठे भी तो चुगलियाँ ही होती हैं, बातें नहीं होती कि वो जो मज़े की और अच्छी अच्छी सी चुटबुली सी बातें होती थी, बहुत ही अच्छे सा टाइम पास हो जाता था। और अब तो गली में बैठने का तो सोच भी नहीं सकते, तसव्वुर भी नहीं है इतनी बाइक्स और किस तरह के लड़के होते हैं। तो अपने घरों में ही इंसान सेव है। और खैर, काफ़ी टाइम लगा था, और फिर मेरे साथ जो है वो हस्बैंड ने थोड़ी सी हेल्प कर दी थी क्योंकि वो घर पे थे। तो हमने फिर निकाल लिए थे चने, और फिर मैंने निकाल के इनको पैकेट्स में डिवाइड कर दिया था, और इनके फ्रीज करके इनके अलग अलग से पैकेट बना दिए थे। सेकंड नंबर पे जो मैंने काम किया वो तो बहुत ही ज़्यादा मेन काम है रमज़ान में, जो पराठे बनते हैं उनके लिए, यानी कि सहरी के लिए मैंने देसी घी बना दिया था। और देसी घी की वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है, बहुत ही आसान है इसको निकालना, घर पर ही साफ़ सुथरा सा निकल आता है। तो इसका लिंक जो है वो वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जहाँ इसकी मैंने रेसिपी शेयर की है देसी घी की। अच्छा जी, और थर्ड नंबर पे हैं जी ये पीस जो कि मटर हैं, बहुत ज़्यादा से मैंने निकाल के रख लिए थे। तो इनको इस तरह के शॉपिंग बैग जो लॉक वाले होते हैं उनमें आप डाल के रख दें, जितने जितने डेली आपको चाहिए हो उतने आप डिवाइड करके पोर्शंस में वो रख दें। और अगर आपके पास ये वाले बैग नहीं है तो फिर जो नॉर्मली घर में आते हैं ना साफ सुथरे से, वो पैकेट जो शॉपर वाले होते हैं, तो उनमें भी आप पैकेट बना कर, तो डिफरेंट काइंड के जो है वो आप फ्रीज़ कर दीजिए। तो जब भी आपको पुलाव वगैरह बनाना हो तो आप एक पैकेट पकड़ें और उसको जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। और इनको आप जो है ना, पहले मैंने वॉश नहीं किया इस वजह से क्योंकि ये फिर आपस में जुड़ जाते हैं, तो जब आपको पकाने हो तो निकाल के आप अच्छे से वॉश कर लीजिए और इनको जो है वो पुलाव वगैरह बना लीजिए, तो ये सेव कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है जी, काम बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है जब आप इस तरह के छोटे छोटे काम करके रख लेते हैं ना, तो फिर आपको ना मटर छीलने में काफ़ी टाइम लगता है, तो वो बच जाता है रोज़े के साथ क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं होती है। इसके अलावा मैंने टमाटर जो है ना वो भी फुल जो है वो मैंने फ्रीज़ कर दिए हैं, क्योंकि उनको पील उतारना बहुत ईजी हो जाता है, उनको क्रश कर लेती हूँ। अच्छा जी, फोर्थ नंबर पे जी मैंने लहसुन और अदरक लेके बैठी हूँ, और यहाँ मैंने नेल अपने काट लिए रमज़ान से पहले ही, क्योंकि नेल बड़े होते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा उलझन होती है, मैं बहुत ही कम नेल रखती हूँ। तो जी यहाँ मैंने ले लिया है लहसुन और अदरक, और इनका पेस्ट बना के रखना ना बहुत ही ज़्यादा ईजी कर देता है। मुझे सबसे ज़्यादा जो है ना मुश्किल काम जो लगता है वो होता है अदरक और लहसुन का जो है कूटना डेली, तो जब ये पेस्ट बनी होती है तो बहुत ही ईजी होता है। बड़ा बड़ा लहसुन है, और इसको मैंने सेंटर से जब कट करती हूँ बहुत ही आसानी से इसके छिलके जो है ना वो रिमूव हो जाते हैं। तो इनको मैंने छील लिया है, और साथ में जो है वो मैं अदरक को भी जो है पील करके उसको भी छोटे छोटे से पीसेस कर लूँगी, और इन दोनों को मैं कर लूँगी मिक्स ग्राइंड। किस तरीके से मैं करती हूँ, चॉपर में कर लीजिए आप, जो मिक्सी जार आता है उसमें कर लीजिए, जिससे आपको आसान लगता है आप उस तरीके से इसको जो है वो क्रश कर लीजिए। और कुछ जो है ना वो मैंने इस तरीके से बॉक्स में सेपरेट लहसुन डाल लिया था, कुछ हंडिया ऐसी होती हैं जिनमें जो है ना साबुत लहसुन डलता है, वो मैंने छील के इस छोटे से बॉक्स में ट्रांसफ़र कर दिया है, तो मैं इसमें सेव कर लूँगी, फ्रिज में रख दूँगी इसको। ठीक है, और जो अदरक लहसुन मैंने दूसरा ये छीला हुआ है इसको मैंने अच्छे से धो लिया, पानी में इसका डिस्कार्ड कर दूँगी, और इसको इस तरह के चॉपर लेके उनके अंदर मैं इसको अच्छे से जो है वो चॉप कर लूँगी। ठीक है, और खाली चॉप करने तक ही नहीं है बल्कि इसको सेव कैसे आपको करना है ये भी मैं आगे दिखाती हूँ, तो वीडियो को आगे देखते रहिए। देखा जाए
जैसे मेरे बारीक से चॉप हो गए थे तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि थोड़ा सा लिक्विड ही हो जाए, क्योंकि मुझे इसको फ्रीज करना है। तो मैंने ये छोटे छोटे से जो आइस क्यूब वाले ट्रे आते हैं वो ले लिए, ये छोटे साइज के हैं, आप चाहें तो बड़े भी ले लिए, लेकिन हमारी फैमिली शॉर्ट है तो मैं थोड़ा सा मुझे पकाना होता है, इस वजह से मैंने अपने हिसाब से क्वांटिटी 1 टेबल स्पून रखी है। और ये बड़े वाले आप फुल वाले भी ले सकते हो, पर मुझे यही चाहिए थे तो मैंने ये ले लिया। अब इसमें 1 टेबल स्पून जो हमें अदरक लहसुन का पेस्ट डेली चाहिए होता है उतने उतने मैं क्यूब बना लूँगी, ठीक है। तो बस जी ये सारे जो है वो इन सबको मैंने फिल कर लिया है और ये आराम से मेरे 15 दिन निकल जाएंगे रमज़ान के, और 15 दिन बाद फिर मैं ऐसा कर लूँगी, ठीक है जी। 15 दिन तो आसानी से गुजारे ना। इनको फ्रीज़ कर लेते हैं, 1 घंटा लगा मुझे फ्रीज़ करने में और ये बिल्कुल ही अच्छे से हार्ड हो गए हैं, और अब इनको निकालेंगे। बहुत आसानी से ये निकल आए हैं, आप देख रहे हैं। अब इन सबको निकाल के तो इनको हम बैग में पैक कर लेते हैं। ये देखिए कितने खूबसूरत अदरक लहसुन का पेस्ट मिल गया, 1 क्यूब निकालेंगे और हम हंडिया निकालेंगे। इसको जल्दी जल्दी से मैं हैंड की मदद से जो है ना फटाफट से इस बैग में पैक कर लेती हूँ, और ये देखें जी जगह भी वहीं सेव हो जाएगी। एक तरह से पैकेट है और काफ़ी ज़्यादा हमें जो पेस्ट मिल चुका है, और अब इसको आपको यूज़ कैसे करना है, ऑयल लेना है, जब हंडिया पकानी है, 1 क्यूब इसमें डालना है, अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, ठीक है जी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और इसके अलावा ना मैं शामी कबाब बनाने वाली हूँ, जिसकी रेसिपी आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी। तो ये मटन वगैरह आ गया तो अब इसे बनाते हैं।